के साथ क्या क्या रहता है दोस्तों, कैसे यूज करना है आप देख सकते हैं। ये कुक है, ये वार्म है, मतलब सिर्फ गर्म करना है तो वार्म होगा, कुक करना है तो यहाँ पर बटन जलेगा। अगर साइड में लाइन देने के लिए ये कोड डाला हुआ है, यहाँ से आप कोड डाल सकते हैं। और इसके साथ क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप इसे खोलेंगे तो इसके अंदर देखेंगे एक कप है जिससे कि आप चावल नाप सकते हैं, एक आदमी के लिए काफ़ी होता है। और इसके साथ साथ अब पानी भी आपको देना है तो इसी से नाप करके देंगे, मतलब जितना चावल देंगे उतना ही पानी डालना है। दूसरा इसके साथ ये पावर केबल दिया हुआ है, और तीसरा जो है चावल निकालने के लिए। तो और ये टोटल बर्तन है वो बाहर आ जाता है, इसे आप अच्छी तरह धो लें। और इसे अब ज़रूरी नहीं है कि किचन में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल आप कहीं भी डाइनिंग हॉल में बैठ करके फ़ैन चलाते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे चावल इसमें बनता है। इसको पाउ इसे अच्छी तरह चावल को धो लेते हैं इसी में, फिर पानी को बाहर निकाल देंगे। फिर पानी डालेंगे इसमें, हम लोग जितना चावल है दोगुना पानी डालना है इसमें। इसमें हमने दो गुना पानी डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। ढक देंगे, ढक देने के बाद जो इसका पावर केबल जो हमने कनेक्ट किया था उसे हम उठाएंगे। तो पावर केबल है, इसे आप स्विच तक जरूर ले जाए। यहाँ पर आप देखेंगे इसको नीचे की तरफ करना है, खास करके अब हमारा चावल ये पकने के लिए राइस कुकर में जा चुका है और ये रेडी हो रहा है। 15 मिनट का इंतजार करें, आफ्टर 15 मिनट फाइव मिनट्स के बाद आप देखेंगे ये इस तरह से उबलना चावल शुरू हो जाता है। आफ्टर 15 मिनट के बाद देखेंगे ये वार्म का जो सिग्नल है वो चलने लगता है और नॉब ऊपर की तरफ उठ जाता है। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है, चावल पके जी, चावल आप देख सकते हैं पूरी तरह से पक चुका है। इसे आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं ये कैसा पका है, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथों में पका हुआ चावल। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, काफ़ी बढ़िया बना है। अब यहाँ से आप बिजली ऑफ कर सकते हैं।